गणेश जी का दांत कैसे टूटा और उसका टूटा हुआ दांत कहाँ है? भगवान गणेश को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें से उनका एक नाम एकदंत भी है। इस नाम से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान गणेश का वह दांत टूटकर कहां गिरा था? दोस्तों, ये जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। हिंदू धर्म में गणेश जी को प्रथम पूजनीय देव कहा जाता है। किसी भी धार्मिक कार्य या पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजन किया जाता है। भगवान गणेश की पूजा करने के लिए शास्त्रों में सबसे उत्तम बताया गया है। वैसे तो गणेश जी को गज कर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्नहर्ता, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन आदि नामों के अलावा एकदंत के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इसके साथ ही भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जिसके बारे में यह मान्यता है कि भगवान गणेश का टूटा हुआ दांत वहीं पर गिरा था। लेकिन इससे पहले भगवान गणेश के एक दंत नाम से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इसके पीछे परशुराम जी और भगवान गणेश का युद्ध है। एक समय की बात है जब भगवान शिव से मिलने के लिए परशुराम जी पहुंचे, तब उन्होंने भगवान गणेश को द्वार पर बाहर खड़ा देख कहा कि मुझे भगवान शिव से मिलना है, मुझे अंदर जाने दें। गणेश जी ने भगवान परशुराम को अंदर जाने नहीं दिया। इस पर परशुराम जी को क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने गणेश जी से कहा कि अगर मुझे अंदर जाने नहीं दिया तो मुझसे आपको युद्ध करना पड़ेगा, यदि मैं जीता तो आपको मुझे भगवान शिव से मिलने के लिए अंदर जाने देना होगा। भगवान गणेश ने युद्ध की चुनौती स्वीकार की। दोनों के बीच बड़ा भीषण युद्ध चला। युद्ध के दौरान परशुराम जी ने अपने फरसे से भगवान गणेश पर वार किया और परशुराम जी के फरसे से उनका एक दांत टूटकर वहीं गिर गया। उसके बाद से ही गणेश जी एक दंत कहलाए। दोस्तों, इससे जुड़ी कुछ और कथाएं प्रचलित है। कथाओं के अनुसार गणेश का परशुराम नहीं भाई कार्तिकेय की वजह से गणेश जी का दांत टूटा था। दोनों भाइयों के विपरीत स्वभाव के चलते शिव पार्वती काफी परेशान रहते थे, क्योंकि गणेश जी कार्तिकेय को बहुत परेशान करते थे। ऐसे ही एक झगड़े में कार्तिकेय ने भगवान गणेश को सबक सिखाने का निश्चय किया और उन्होंने गणपति की पिटाई कर दी, जिससे उनका एक दांत टूट गया। इसके अलावा यह भी कथा प्रचलित है कि महाभारत लिखने के लिए महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी के आगे शर्त रखी। शर्त यह थी कि वो बोलना बंद नहीं करेंगे, यानी वे लगातार बोलेंगे, और गजानन को बिना रुके लिखना होगा। ऐसे में गणेश जी ने अपना एक दांत खुद ही तोड़कर उसे कलम बना लिया। तो दोस्तों, ये थी कथा कि गणेश जी का दांत कैसे टूटा और आप जानते हैं कि दांत टूटकर कहां गिरा था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से करीब 13 किलोमीटर दूर बारसूर गांव में ढोलकल की पहाड़ियों पर लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर सैकड़ों साल पुरानी यह भव्य गणेश मूर्ति विराजमान है। यह पूरी दुनिया में दुर्लभ मूर्तियों में से एक मानी जाती है। इन्हें दंतेवाड़ा का रक्षक के नाम से भी जाना जाता है। दंतेवाड़ा जिले में एक कैलाश गुफा भी मौजूद है। कहा जाता है कि यह वही कैलाश क्षेत्र है जहां गणेश जी और परशुराम जी के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गणपति का एक दांत टूटकर यहां गिरा था। परशुराम जी के फरसे से गजानन का दांत टूटा, इसलिए पहाड़ी के शिखर के नीचे के गांव का नाम फरसपाल रखा गया है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लगा, अपने विचार कमेंट में हमें जरूर बताएं।